नमस्ते भाइयों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक इफेक्टिव, मजेदार और क्विक आर्म वर्कआउट जो आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ग्रो करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जाके करो, मैं उसका लिंक नीचे डाल देता हूँ। उसी के साथ साथ मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप किसी भी मसल ग्रुप को ग्रो करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। आर्म्स को ग्रो करना चाहते हो तो आपको आपके ट्राइसेप्स और बाइसेप्स को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप आर्म्स को सिर्फ 1 बार ट्रेन कर रहे हो तो वो नेचुरल लिफ्टर्स के लिए आइडियल नहीं रहता। तो आपको आपका वर्कआउट रूटीन इस तरीके से डिजाइन और प्लान करना पड़ेगा जिससे आप हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हो। मैं जो स्प्लिट रेकमेंड करूंगा वो है लेग्स पुश पुल, जहाँ पे हम हफ्ते में 6 बार ट्रेन करेंगे और हर मसल ग्रुप को कम से कम 2 बार ट्रेन करेंगे। तो आप पुश डे पे ट्राइसेप्स को ट्रेन करोगे और पुल डे पे बैक ट्रेन करने के बाद बाइसेप्स को ट्रेन करोगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वर्कआउट ट्राइसेप्स के साथ। पहली एक्सरसाइज होने वाली है डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन, जो हमारे ट्राइसेप्स की लॉन्ग हेड को ट्रेन करेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आर्म्स में मास लाने के लिए। अगर ये एक्सरसाइज करते वक्त आपके एल्बोज में दर्द हो रहा है तो आप इससे पहले एक क्विक पुश डाउन का लाइट सेट मार सकते हो जिससे आपके एल्बोज वार्म अप हो जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज के हमें लगा रहे हैं 3 सेट 10 से 12 रेपिटेशन के। ज्यादा हैवी वेट मत लो, वेट की जगह माइंड मसल कनेक्शन पे ध्यान दो और ये एक्सरसाइज अच्छी टेक्निक के साथ परफॉर्म करो। स्टार्ट करेंगे मूवमेंट यहां से। आपका आर्म पूरी तरह से स्ट्रेट होना चाहिए, पूरी तरह से नीचे जा रहा है। आपको आपके लॉन्ग हेड में एक अच्छा स्ट्रेच और टेंशन महसूस होगा। उधर होल्ड कीजिए और वापस ऊपर आइए, पूरी तरह से नीचे धीरे से जाइए और फिर वापस ऊपर आइए। इस तरीके से एक्सरसाइज के 3 सेट लगाओ 10 से 12 रेपिटेशन के। तो जितने रेप्स आपके पहले आर्म पे लगाए थे उतने ही रेप्स से मैच करना है आपको दूसरे आर्म पे। अगर आपने एक आर्म से ज्यादा लगाए तो इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के 3 सेट होने के बाद हम जाएंगे दूसरी एक्सरसाइज पे, जो होने वाली है ट्राइसेप रोप पुश डाउन। ओके, तो आज की दूसरी एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए होने वाली है ट्राइसेप पुश डाउन। ये आप आपके जिम के केबल मशीन पे लगा सकते हो। 2 पॉसिबल अटैचमेंट्स है, एक है रोप और एक है ये बार। आपको देखना पड़ेगा कि आपको ज्यादा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन और टेंशन किसमें फील होता है। मुझे पर्सनली हमेशा से रोप ही पसंद है तो मैं रोप यूज करूंगा। ज्यादा हैवी मत जाना, फिर से 3 सेट लगाएंगे 10 से 12 रेपिटेशन की रेंज में। ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी, पूरी तरह से नीचे जाएंगे, होल्ड करके स्क्वीज करो और वापस ऊपर आओ। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त ज्यादा मोमेंटम मत यूज करो, ऐसे ऐसे मत करो, स्लोली और कंट्रोल करके ये एक्सरसाइज परफॉर्म करो। ओके, तो अभी अभी हमने अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन किया है, अभी हम ट्रेन करेंगे सबका फेवरेट मसल ग्रुप, हमारा बाइसेप्स। अगर आप लोगों ने मेरा आर्म्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ऑल ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। आर्म जो है एक छोटा मसल ग्रुप है, ज्यादा सेट्स और ओवर ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। बाइसेप्स की पहली एक्सरसाइज होने वाली है इजी बार कर्ल। इसे कहते हैं इजी बार। अगर आपके जिम में नहीं है तो आप छोटा बारबेल यूज कर सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, डंबल्स के साथ ही एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। बार को इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ो, पूरी तरह से ऊपर जाओ, स्क्वीज करके होल्ड करो, टेंशन फील होगा आपके बाइसेप्स में। और नीचे आते वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेट को कंट्रोल करते हुए नीचे लेके आना है। अगर आप सिर्फ ऐसे कर रहे हो तो आपका आधा जो रेंज ऑफ मोशन का पार्ट है वो चला जा रहा है, आपके गेन्स नहीं मिलेंगे, आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे। तो ऊपर आओ, स्क्वीज करो और धीरे से वेट को कंट्रोल करते हुए नीचे लेके आओ। हर एक्सरसाइज को फुल रेंज ऑफ मोशन से ट्रेन करना है। तो ज्यादा हैवी वेट मत लो। एक और बार, बार पे ऐसा वेट ऐड करो जिसके साथ आप 3 सेट लगा पाओगे 10 से 12 के रेप रेंज के बीच में। तो बाइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है डंबल हैमर कर्ल। ये बहुत टाइम से मेरी फेवरेट एक्सरसाइज रही है। बाइसेप्स के साथ साथ ये एक्सरसाइज आपके फोरआर्म्स को भी ट्रेन करेगी। तो एक और बार, ज्यादा हैवी नहीं, सेम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। आपको माइंड मसल कनेक्शन और टेक्निक पे पहले जाना चाहिए। तो एक और बार, पूरी तरह से ऊपर आओ, स्क्वीज करो, पूरी तरह से वापस नीचे। इस तरीके से 3 सेट लगाओ 10 से 12 रेपिटेशन के बीच में। और अगर आपके आर्म्स में इम्बैलेंस है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा राइट आर्म मेरे लेफ्ट आर्म से बड़ा और स्ट्रांग है, तो ऐसे केसेस में आप एक आर्म को एक टाइम पे ट्रेन कर सकते हो। तो पहले स्टार्ट करेंगे वीक आर्म से,
जो है मेरा लेफ्ट आर्म, और जितने रेप्स हो सके उतने इस पे लगाएंगे। अगर आपके लेफ्ट आर्म से 10 रेप्स गए तो राइट आर्म से भी 10 लगाओ, आपको रेप्स मैच करने की कोशिश करनी है। अगर आप एक आर्म से ज्यादा रेप्स लगाओगे तो मसल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो सकता है जो आपको अवॉइड करने हैं। तो इसी के साथ ये वर्कआउट खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक ड्रॉप कर दीजिए और किसी एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत प्यार करते हो, प्यार करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।